राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के उस स्थान पर जिसका नाम है चामुंडा देवी। चामुंडा देवी 52 शक्तिपीठों में से माँ के एक शक्तिपीठ है। तो उस रास्ते पर चलते हुए आपका व्यू वहाँ का दिखा रहा हूँ। बाकी आगे जाके पंडित जी से इस धाम के बारे में जानकारी लेते हैं, अगर उन्होंने देनी चाहिए तो जानकारी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है, सारे मंदिर का नव निर्माण कार्य चल रहा है। तो काफ़ी देर बाद यहाँ पर मेरा आना हुआ। तो ये देखिए साथ में चामुंडा धाम मंदिर के साथ हिमाचल प्रदेश में ये नदी का प्रवाह चलते हुए। तो बारिश भरा दिन है आज, सुबह की लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश में ही ये सफ़र करते हुए आए हैं। ये जो सामने आप शमशान घाट देख रहे हैं नदी के साथ, यहाँ पर मान्यता है कि एक मुर्दा यहाँ पर रोज़ जलाया जाता है। वो देखिए सामने चिता भी जल रही है। कहते यहाँ पर जब कभी चिता ना आए, मतलब कोई मुर्दा ना आए, तो उस समय यहाँ पर मिट्टी कपड़े का पुतला बनाकर जलाया जाता है या लकड़ी का पुतला बनाकर जलाया जाता है। तो शिव की नगरी भी यहाँ पर मौजूद है, माँ चामुंडा देवी का ये सामने मंदिर है जो जिसका नव निर्माण का कार्य चल रहा है। और ये नदी का बहिंगम दृश्य बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। अगर आपको कभी यहाँ आने का मौका मिले हिमाचल में, तो चामुंडा देवी धाम जो धर्मशाला के साथ ही पड़ता है, आप गूगल पर सर्च करके इसकी दूरी वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये सामने वो शमशान घाट, कहते हैं कि चामुंडा देवी माँ रोज़ एक बलि माँ को चाहिए और इसीलिए यहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है। जब भी किसी की नज़दीक में मृत्यु होती है और जिस दिन किसी की मृत्यु ना हो, तो यहाँ लकड़ियों की चिता, लकड़ियों का पुतला या कपड़े का पुतला बनाकर चलाया जाता है। ये शमशान घाट साथ ही में है। तो भगवान शिव की भी नगरी है ये, माँ चामुंडा का भी धाम है। और खूबसूरत यहाँ का दृश्य ये देखिए, सामने पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, यहाँ लगातार बारिश हो रही है जब से सुबह का मैं चला हुआ हूँ। तो ये बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, इस समय 28 तारीख है जनवरी महीना 2020, तो इस समय तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे होंगे। अद्भुत दृश्य। तो सरस्वती ज्योतिष विज्ञान का ये प्रयत्न रहेगा कि ज्योतिष की अद्भुत जानकारियों के साथ साथ आपको धार्मिक स्थान जो हमारे हैं प्राचीन, उनके इतिहास को बताने का प्रयास किया जाए। जितनी जानकारी मुझसे इकट्ठी हो सकेगी मैं करके आपको दूंगा। मंदिर का इतिहास यहाँ पर दर्ज है जो मैं आपके सामने पढ़ के प्रस्तुत करता हूँ। भारतवर्ष के उत्तरारुंड में जलंधर पीठ के अंतर्गत श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम पौराणिक काल से शिव शक्ति का अद्भुत सिद्ध वरदायिनी स्थान है। ये स्थान जलंधर पीठ इतिहास में उत्तरी द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ जलंधर असुर और महादेव के मध्य युद्ध के अवसर पर भगवती चामुंडा को अधिष्ठी देवी व रुद्र तत्व प्राप्त हुआ था, जिससे यह क्षेत्र रुद्र चामुंडा रूप में भी ख्याति प्राप्त है। स्वर्णी मन्वंतर में जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवती कौशिकी ने अपनी दृष्टि से चंडिका उत्पन्न की और उसे चंडमुंड देवताओं का वध करने को कहा।
तब चंडिका ने चंड मुंड दैत्यों के साथ घोर संग्राम कर उनका वध किया। देवी चंडिका उन दोनों दैत्यों के सिरों को काट कर भगवती कौशिकी के पास ले आई। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने चंड मुंड दैत्यों को मारा है, अतः तुम्हारी संसार में चामुंडा के नाम से प्रसिद्धि होगी। तो चामुंडा माँ का मंदिर है ये, जिसका कि दुर्गा सप्तशी के पाठ में स्पष्ट वर्णन हमें मिलता है, साफ शब्दों में वहाँ पर दर्ज है। तो ये वही शक्तिपीठ है माँ चामुंडा देवी का। चंड मुंड नाम के असुरों को मारने के बाद माँ भगवती यहाँ पर माँ कौशिकी के पास आई, तो उन्होंने ये वर माँ को दिया। तो यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य जारी है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वही बात दर्शन कराने के। माँ भगवती चामुंडा के वो सामने माँ के दर्शन आप कर सकते हैं, माँ भगवती चामुंडा सामने विराजमान है, आप देख सकते हैं। पुजारी जी भी बैठे हैं वहाँ पर। तो ये इतिहास है माँ के मंदिर का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, माँ के दर्शन कीजिए। ये है माँ चामुंडा जी की मूर्ति। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दे हमें कमेंट करके, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो मैं आपके लिए आने वाले समय में बनाता रहूं, जिससे कि आप अपने धर्म के प्रति भी जागरूक हों, आपको इतिहास पता लगे मंदिरों। तो ये माँ के शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत है क्योंकि भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। ये बजरंग बली जी की मूर्ति। तो इसी के साथ ये चामुंडा माँ के धाम का सफ़र मेरा यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये भगवान शिव की मूर्ति। ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये पानी से भरा रहता है, पर इस समय यहाँ पर पानी नहीं है, वो नदी बह रही है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर रमणीय दृश्य है ये। ये सामने जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं पीछे, इस समय बादलों में ढके होने के कारण नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ आपको मेरी राम राम, जय श्री राम।